मैं सबसे पहले तो आप सबों का, राजेश जी, अमित जी, मनिंद जी से बात हो ही रही थी। ये एक सीमांचल तो छोड़िए सर, ये अपने आप में हम में से कई लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और शुक्रिया पूरे सभी साथियों का और मनिंद जी वगैरह सबका कि आपने श्री को इस शक्ल में दे दिया है ताकि आगे इस पर कई दफा बातचीत हो सके। सबसे पहले तो मैं एक चीज जो कहना चाहूंगा, थोड़ी अपॉलॉजी के साथ भी, कि मैं अपने सपनों की बात इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे सपने की तामीर अक्सर नहीं हो पाती है। तो मैं एक जो कलेक्टिव ड्रीम है, कलेक्टिव सोच है, उस संदर्भ में बात करूंगा। मैं बहुत साल पहले ले जाना चाहता हूँ, संभवतः अर्ली 80s में ही, अर्ली 80s नहीं, लेट 70s, मैं सैनिक स्कूल की परीक्षा दे रहा था। तो मेरा सेंटर पूर्णिया था और पूर्णिया में सेंटर था, और हम अपने स्कूल से कई बच्चे आए थे सहरसा से, और हमारा ठिकाना, हमें ठिकाया गया था एक गुरुद्वारे में। तो शायद वो पहली बार था मेरी जिंदगी में जब मैं किसी गुरुद्वारे में रुका था। और पूर्णिया से मेरा पहला परिचय वो भी था कि सहरसा के मुकाबले मुझे थोड़ा सा पूर्णिया खुला खुला सा लगा। और वो खुलापन सिर्फ भौगोलिक नहीं था, उस समय बहुत छोटा था, 5वीं कक्षा में था, लेकिन मेरी स्मृति में आज भी वो सब चस्पा है। और मैं समझता हूं कि इसलिए मैं जब संसद में आया तो संभवतः सहरसा से ज्यादा मैं पूर्णिया गया। कई अवसरों पर, कई मौके ऐसे आए। मैं सीमांचल भी, मुझको लगता है आप लोग बताएंगे, मेरे बचपने का शब्द सीमांचल नहीं है, ये शायद बाद में आया सीमांचल, क्योंकि मैं जब स्कूल में था, फिर कॉलेज में था, तब भी सीमांचल शब्द नहीं था। बहरहाल, अब सीमांचल शब्द काफी प्रयोग में होता है, ये भाव काफी प्रयोग में होता है। और एक तो सीमांचल जब हम कहते हैं, तो बावजूद इसके कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसमें सीमा को ज्यादा तवज्जो है और अंचल को कम। मतलब पहचान में ये नहीं होना चाहिए कि हम इस वजह से हैं, क्योंकि एक जो ये कई सारे जिलों का ये जो मामला है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज है जो इतनी डाइवर्सिटी, इतना विस्तारीकरण, चाहे भाषा का हो, बोली का हो, संस्कृति का हो, खान पान का हो, पूजा पाठ पद्धति का हो, मैं नहीं समझता हूं कि बिहार का कोई और इलाका शायद इस लेवल की डाइवर्सिटी, इस एक्सटेंट की डाइवर्सिटी को समेट के रखता हो। एक और भी चीज जो, मतलब गाहे बगाहे कुछ घटनाएं आती हैं, लेकिन आम तौर पर इस बहुलता ने वैमनस्यता में तब्दीली नहीं देखी है। एक बड़े लैंडस्केप और बड़े कैनवस पे, मैं कहता हूँ, छोटी मोटी चीजें होती होंगी, लेकिन एक बड़े कैनवस पर अगर हम देखें तो कई दफा डाइवर्सिटी की वजह से कई जगह थोड़ा वो एक उन्माद की जुबान का भी इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह, वो चीजें काफी हद तक मैंने वहां नहीं देखी है। तो ये एक दूसरी खूबसूरती है उस इलाके की, जिसको आज हम सीमांचल के माध्यम से संबोधित करते हैं और उस पर बातचीत करने की। एक आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 14 अगस्त है, और आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दिवस को नया नाम दिया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब उसमें, उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सब, हमने इतिहास पढ़ा है, और पार्टीशन से अगर कुछ इलाके बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे, तो उसमें से एक ये भी इलाका था, और बंगाल और पंजाब के बाद, मैं समझता हूँ शायद उनके सलाहकार इवेंट मैनेजमेंट में इतने मसरूफ रहते हैं कि एक नया दिवस मिल गया, उन्हें लगा कि इससे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन शायद जिन परिवारों ने वो दंश झेला, और वो लाखों करोड़ों की संख्या में है, उनकी पीड़ा इससे कम नहीं होगी कि एक दिवस डेडिकेटेड है।
बहरहाल, लेकिन मैंने आज इसका जिक्र इसलिए आपके समक्ष किया कि कल से हम आजादी के 75वें सालगिरह वर्षगांठ बनाने को आगे बढ़ेंगे, जिसको अमृत महोत्सव कहा जाता है। आजादी का 75वां की आजादी की 75वीं वर्षगांठ सिर्फ सेलिब्रेशन का मौका नहीं होना चाहिए, ये इवैल्यूएशन का भी मौका होना चाहिए। और मैं फिर से एक उदाहरण लेता हूं जिस भाषण की लोगों ने चर्चा की कोरोना के दौरान। कोरोना के दौरान मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट पूर्णिया से आते थे, थोड़े संजीदा वहां के डीएम भी हैं, थोड़ा संपर्क में भी रहते थे। तो मैंने जो बदहाली बद इंतजामी पूरे देश में देखी, दिल्ली से लेकर के छोटे शहर, उसी का एक ग्लिम्स हमने पूर्णिया में भी देखा। तो जो 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाए जाए तो झंडोत्तोलन, जनगण मन, मिठाइयाँ, अपने यहाँ बूंदिया बटता था बचपने में जब हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे 15 अगस्त को, तो ये सब करने के बाद ये वक्त ये भी है। और मुझे खुशी है कि 14 अगस्त को हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम ये देखें कि मूल्यांकन में हम कहाँ हैं, हमारा इलाका कहाँ है। मौलिक सुविधाओं का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। अभी मनिंद्र जी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक मेडिकल हब के रूप में, और वो मैं महसूस करता हूँ बागडोगरा से जब कभी आना होता है, और तो मैं डॉक्टर और दवाई की दुकान, नर्सिंग होम और दवाई की दुकान बहुतायत में, तो ये सिर्फ मेडिकल हब का एक, मैं सहमत हूँ मनिंद्र जी से, लेकिन ये इस बात का भी संकेत होता है साथ में कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम चरमराया हुआ, बुरी तरह चरमराया हुआ। ये मैं इस पूरे इलाके में, अपने सहरसा तक ले जाऊं अगर आपको, तो वो मैं देखता हूँ। सहरसा में आप किसी भी सड़क पे चल दें या पूर्णिया में, आपको डॉक्टर और हर डॉक्टर से लगा हुआ लगी हुई एक दवा की दुकान, ये एक 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 ऐसी छवि है जो आपको लगातार मिलेगी। तो इस छवि के पीछे का सच ये भी है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया और टूट गया, जिसकी बानगी, जिसका जिसकी दुखद बानगी, जिसके कड़वे सच हमने कोरोना के काल में देखे, जब पूरे देश में और हमारे इस इलाके में भी हाहाकार सा मचा हुआ था। वहां मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि हम अगर सीमांचल ऑफ माई ड्रीम्स की बात करेंगे तो स्वास्थ्य, उसके बाद रोजगार की स्थिति क्या है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी इलाकों में बेहतर है, लेकिन अभी भी लेबर सप्लाई में हमारा इलाका टॉप में है। दूसरे राज्यों को जाने वाली, अगर हम और कुछ ना करें, अगर ट्रेन को ही एक हम एक एंटिटी यूनिट मान करके, और ट्रेन में चलने वाले वो कहाँ जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उसकी पड़ताल करें, तो उससे भी आपको हमको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मसला है वो बाकी जगह पे नहीं होगा, लेकिन हमारा इलाका बिल्कुल अछूता सा है। मैं अक्सर सोचता हूँ जब हिंदुस्तान के विकास की परिकल्पना हुई तो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, कई लोग इस थियरी से परिचित होंगे कि कैसे कुछ इलाकों की कीमत पर, चंद मुट्ठी भर इलाकों की बेहतरी होती है, वहाँ विकास की सारी चीजें होती हैं। तो जो मुल्क के स्तर पर जो इंटरनेशनली होता है वो नेशनली होता है, और फिर जो नेशनली होता है वो स्टेट में भी होता है। तो अगर आप बिहार का ही डेवलपमेंट फोकस देखें, आप चाहें तो झारखंड विभाजन से के अलग होने से पहले से उसके बाद देखें, तो ये इलाका पूरा का पूरा पटना की नजरों से दूर रहा, और उसके उसके उसकी उसकी वजह से कई सारी चीजें हुई। अगर आप पॉलिटिकल वॉइस के रूप में भी देखेंगे तो हमारे पूरे इलाके की, सीमांचल की पॉलिटिकल वॉइस भी, खास करके बीते में अगर कहूं तो 20-25 वर्षों में, सिवाय टोकन एप्रिसिएशन के, टोकन रिकॉग्निशन के, वो नहीं हुआ। तो मैं ये देख रहा हूं कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मामला हो, या जो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारा तो इस पूरे इलाके से परिचय, मैं समझता हूं कि रेणु जी के थ्रू हुआ,
फणीश्वरनाथ रेणु जी की किताबों के थ्रू। उसके बाद एक किताब पढ़ी थी, शायद रत्नेश्वर जी बता पाएंगे, कोसी प्रांगनेर चिट्ठी, वो और इस तरह की कई सारी चीजें। अभी कुछ तथ्य मुझे हाल में पता चले, जैसे आनंद मठ की पृष्ठभूमि, मैं नहीं जानता था कि उसकी भी पृष्ठभूमि पूर्णिया है। तो इस पूरे इलाके को जो कि एक कल्चरल नर्व सेंटर, एक सोशल कल्चरल नर्व सेंटर हो सकता था, एक ऐसा इलाका जहां अगर आप फसलों की ही फेहरिस्त देख लें, किशनगंज अररिया से लेकर के पूर्णिया होते हुए आगे बढ़े, तो आपको फसलों की भी जो डाइवर्सिटी मिलती है वो भी अपने आप में अनूठा है। आपको इस तरह की चीजें संभवतः गोपालगंज, छपड़ा, बक्सर उधर नहीं मिलेंगी, जो अपने यहाँ मिलती है, तो इस पूरे इलाके में मिलती है। तो उसका भी एक रियल लाइफ टर्म्स में क्या हमें मिला, वो भी अपने आप में पड़ताल का विषय है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम सीमांचल, अपने सपनों के सीमांचल की बात करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि पॉलिटिकल वॉइस बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी देखता हूं, मैं सदन की एक बात कहूं, कई मसले होते हैं, एआईएडीएमके और डीएमके प्रतिस्पर्धी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या केरला में सीपीएम सीपीआई वो पूरा लेफ्ट, और इधर आपको यूडीएफ, एलडीएफ और यूडीएफ प्रतिस्पर्धी पार्टियां हैं। लेकिन जब ऐसे मसले आते हैं जो राज्य के किसी इलाके के, जहां उनकी बेहतरी बढ़ोतरी का कोई प्रश्न होता है, मैं देखता हूं कोलैबोरेट करते हैं डीएमके या एडीएमके, एलडीएफ, यूडीएफ। अपने यहां इस परिपाटी का मैं अभाव देखता हूं। तो ये जो एक वॉइस इन कॉन्सोनेंस जो बेहद आवश्यक है इस तरह की चीजों के लिए, मैं समझता हूं कि उस पर हम लोगों को थोड़ा काम करना होगा। और मैं फिर से एक बात कहूं कि ये काम हम आप पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सौंप सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अरिथमेटिक बेस्ड कंसर्न्स होते हैं। लेकिन रत्नेश्वर जी का, रमन जी का, राजेश जी का, अमित जी का, मनिंद्र भाई का या रमेश जी का, ये वो कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है कि ये पूरा इलाका जहां हमने अपनी जिंदगी बिताई है, जहां आगे की जिंदगी बिताएंगे, उसके चरित्र में कैसे बदलाव, वो एक परपेचुअल सैटेलाइट बन के ना रहे और हमेशा हमें इस तरह की डिस्कशन ना करनी पड़े कि हमारे सपनों का सीमांचल क्या है। क्योंकि किसी भी इलाके के लिए सबसे बड़ी उसकी संपदा होती है उसकी कल्चरल हेरिटेज। जहां इस इलाके का, मैं समझता हूँ बहुत कम इलाका, मैं इलाका बनाम इलाका नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इतना व्यापक बहुलवाद और समन्वयवादी बहुलवाद, ये आपको और बिहार में बहुत कम जगह मिलेगा। तो इतने, ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है। मुझे अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो पूर्णिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ है, झारखंड तो था ही, शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कई सारी चीजों, उसकी जो धरोहर है, वो शायद जो बाद में नए शहर बने, विकसित हुए, उन पर भारी है। लेकिन आज के 14 अगस्त 2021 के आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है। मैंने एक दिन पार्लियामेंट में कहा, बुंदेलखंड पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने सीमांचल विकास बोर्ड की बात की थी, और उसके पीछे ये नहीं था कि मुझको कई लोगों ने कहा भी कि फलाने इलाके के बारे में बात नहीं की आपने, चिलाने सीमांचल क्यों। तो मेरे पास वजह बिल्कुल साफ थी कि, और मैं स्पष्ट था कि सीमांचल एक ऐसा इलाका है जो शायद सबसे बड़ी आबादी को समेटे हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस इलाके की जो संपदा है, जो बौद्धिक संपदा है, जो सांस्कृतिक संपदा है, जो भाषाई संपदा है, जो जमीनी संपदा है, क्योंकि जो मैंने कहा कि फसलों में भी जो डाइवर्सिटी यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, रत्नेश्वर जी, रमेश जी। सबसे पहले तो मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जो बहुत दिनों से सपना पूर्णिया के कुछ लोग देख रहे थे, रमेश जी और रत्नेश्वर जी की सहायता से ये सब हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना हो पाई और अब धीरे धीरे ये शेप ले रहा है। और फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मनोज जी का, जिन्होंने एक बार में ही इस बात को
मान लिया कि हमें एक डायलॉग जानने की ज़रूरत है और आगे भी हम लोग डायलॉग में जाएंगे। मनोज जी का शुक्रगुजार मैं उन लोगों की तरफ से भी करना चाहता हूँ जिन लोगों की भावना को मनोज जी ने राज्यसभा में बहुत ज़बरदस्त ढंग से मुखर तरीके से अभिव्यक्त किया, जो कोविड के टाइम की समस्याएं थी उसको लेकर। वो एक भाषण मुझे लगता है कि लोगों के अंदर के दर्द को संसदीय प्रणाली तक पहुंचा पाने में सक्षम रहा। सीमांचल के बारे में बात करने में कई मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, हम सब लोग आपस में बात करते रहे हैं, मनोज जी से भी बराबर हमारी बात होती रही है। मैं एक एक करके मुद्दा लूँगा। पहला मुद्दा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों को लगता है, वो है यहाँ के एग्रीकल्चर का, कृषि की जो हमारी समस्याएं हैं। कृषि की दो तीन तरह की समस्याएं हैं। देखिए, आज की तारीख में बिहार के चीफ मिनिस्टर बहुत गर्व से कहते हैं कि सीमांचल या ये जो एरिया है, ये अमेरिका से भी ज़्यादा मक्का प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन मक्का के किसानों के लिए कोई किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सब कुछ किसानों ने खुद मेहनत करके किया है और उस प्रक्रिया में दो तीन बड़ी समस्याएं आई हैं और आने वाली। एक लेख मैंने लिखा था, उस पर बड़ी प्रक्रिया आई सरकार से कि मक्का के उत्पादन के कारण हमारा जो वाटर लेवल है, जो पानी अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो पोल्यूट हो रहा है और उसके बारे में ना कोई शोध हो रहा है। अभी तक पूर्णिया में आर्सेनिक तत्व जो है पानी में नहीं पाया जाता था, अब धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो एक तरह से इसकी सुरक्षा की ज़रूरत है। दूसरा, जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम हमारे मक्का का, मक्का को सुखाने का प्रॉब्लम है। हम अभी केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, क्या हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है मक्के का, ताकि हम एक प्रोड्यूस को प्रोसेस करके थोड़ा ज़्यादा कमा सकें, हमारा मंडी बेहतर हो सके। उसी तरीके से कृषि का दूसरा है मखाना। मखाना के उत्पादन में भी अभी तक सरकार का कोई मेजर सहयोग नहीं है। अभी भी जो मखाने का मंडी हमारा है वो ऑर्गेनाइज मंडी नहीं है। दिल्ली से जो लोग जाते हैं वहाँ खरीदने, मैंने काफ़ी सर्वे किया था कि मखाने की मार्केटिंग कैसे होती है, बहुत सस्ते कीमत पे मखाना हमारा दिल्ली के मंडी में आता है। और जो लोग मखाना खाने के शौकीन है दिल्ली में, मनोज जी भी होंगे आई एम श्योर, उनको पता होगा कि मखाना यहाँ पे कितना महंगा मिल रहा है और हमारे किसानों को मखाने की कितनी कम कीमत मिल रही है। और ये सब जो है, ये कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर है जिसमें एक बार यदि घाटा लगता है तो किसानों की रीढ़ टूट जाती है, तो आगे कहीं आत्महत्या की स्थिति भी हमारे किसानों की बन सकती है। हमेशा ही कैपिटल इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है उसमें डर बना रहता है। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा, और कई बार इस पर मनोज जी से बात भी, उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की थी कि मैं मखाने के बारे में खास करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहता हूँ कि पूर्णिया जैसी जगह पे बने, तो मैं चाहूँगा कि मनोज जी की क्या योजना है इस संदर्भ में। मनीष जी, बिल्कुल दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहना अब बेमानी है, हमने अपना मैनिफेस्टो बहुत प्यार से बनाया था चुनाव के पूर्व, और उसमें हमने इस तरह के इलाकों को आइडेंटिफाई करके हमने ये प्रोसेसिंग यूनिट का ये एक आइडिया रखा था। अनफॉर्चुनेटली वो सफलीभूत नहीं हो पाया, लेकिन आइडिया मरता नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ भी मैंने केंद्र में भी बात की है कि इस पर दो चीज़ें हैं, जो मक्का को लेकर के भी आपने कहा, उसमें भी हमें जहाँ उत्पादन हो, जहाँ खेती हो रही है, वहाँ उस इलाके के आसपास एक प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, क्योंकि जो मक्के के बेस्ड कई सारे प्रोडक्ट जो हम बाद में 20-25 गुने दाम पर खरीदते हैं और अंततः हमारे किसानों को लगभग उसका कुछ भी मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि मैं आपको बताऊं बीते वर्ष तो औने पौने दाम में वो बेचना पड़ा। हमको एक प्रतिनिधि मंडल मिला अभी मनिंद्र जी, मक्के की सबसे अच्छी कीमत बांग्लादेश में मिलती है, और बांग्लादेश के साथ एक ट्रेन चला करती थी जो कि बंद है बीते 3 वर्षों से, अगर हम उसे बहाल करें तो ये भी एक इंटरवेंशन का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी ने बड़े अच्छे से समझाया था कि जितनी कीमत पंजाब हरियाणा या अन्य राज्यों से हमारे मक्का उत्पादकों किसानों को मिलती है, उससे लगभग दोगुनी कीमत बांग्लादेश में है, जिनको 2-3 फसली चीजों में जो रहते हैं, उनका पहला होता है कि इसको किसी तरह निकालो,
क्योंकि स्टोरेज की भी फैसिलिटी नहीं है अपने यहाँ। तो एक तो स्टोरेज, एक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बाकायदा सरकार किसी की भी हो डिमांड चार्टर भी प्रिपेयर करना चाहिए और साथ में एक पूरा लॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ कि ये जरूरत है इलाका आइडेंटिफाई करके और बाकायदा साइंटिफिक तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं हम। तो ये मैं विपक्ष में भी रहूं तो इसको लेकर के मैं दिल्ली में भी या पटना में बात कर सकते। एक चीज जो चीज मुझे अभी याद आई जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा इस माध्यम से, मुझे स्मरण है 2-3 वर्ष पूर्व अररिया में लोकसभा उपचुनाव हो रहा था, मैं वहां कैंपेन में गया था। तो एक गांव गया, मैं अक्सर अपने बैग में पानी की बोतल रखता हूँ, तो 3-4 और मेरे पार्टी के एमएलए भी मेरे साथ कैंपेन में थे। तो एक घर गए गांव में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो पानी अपने लाके चले छिए, मतलब पानी भी आप हमारे घर का नहीं पियेंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बाधा उत्पन्न हो रही है हम संवाद में। तो मैं और तमाम मेरे साथी विधायक हमने ताबड़ तोड़ 2-3 ग्लास पानी पिया, वहीं खाना भी खा लिया। और उसके बाद आपको मैं सिर्फ इतना कहूं कि हम सब रात में एयरलिफ्ट होने वाली हमारी स्थिति थी, मोशंस की, वॉमिटिंग की लगातार। तब जाकर के मैंने देखा वो जो आप आर्सेनिक की बात कर रहे थे, फिर एम्स के मेरे एक डॉक्टर मित्र ने बताया कि बड़ी संख्या में जो अपने इलाके से सीमांचल से जो मरीज आते हैं एम्स में, वो वाटर बॉर्न डिजीज के मरीज हुआ करते हैं। तो ये संदर्भ में नहीं था लेकिन मुझे स्मरण हुआ, तो मैंने कहा कि एक इस पर भी हम लोगों को लगातार काम करने की जरूरत है। अभी हाल में मुझे एक सीनियर वाइस चांसलर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने वादा किया है कि वो कुछ यूनिट इस तरह का लगाते हैं, कुछ बोरवेल टाइप, जहां उसके उसके कंटामिनेशन को खत्म करने की कोई तकनीक है जो आधुनिक है, तो उस पर हम एक साझा काम कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता में अगर देखें तो जैसे मक्का और मखाना आपने कहा, इस पर हम लोग चर्चा के अलावा कुछ रणनीति भी बना सकते हैं। अगर एक बार डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो सदन के माध्यम से या सीधे मंत्रालय में जाकर के इसको करेंगे, तो मुझको लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए पक्ष विपक्ष के ही तरफ। दूसरा सवाल मैं करूंगा हेल्थ सेक्टर के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस शहर में ज्यादा डॉक्टर हों इससे खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात है कि बीमारी यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन दो बातें इसमें, पहली बात तो ये है, मैंने इसलिए लिखा कि वो हब है मेडिकल इस पूरे इलाके का, और मैंने अच्छा रिसर्च इस पे करके भी देखा है कि कैसे बसेस चलती हैं सहरसा से, मधेपुरा से, सुपौल से, तरह तरह के लोग मरीजों को लेकर पूर्णिया आती हैं बसेस और शाम तक लेकर लौटती हैं। और पूर्णिया में एक नया वर्ग पैदा हो गया है जो डॉक्टर और मरीज के बीच का दलाली करता है, ये मैंने खुद से खड़ा होकर चौराहे पे देखने की कोशिश की है। तो ये जो हेल्थ सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, मशरूम हुआ है, अच्छा भी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अनमैनेज्ड है, बिल्कुल ही एनार्किक है। तो यदि हम चाहें कि पूर्णिया एक हेल्थ हब के रूप में इमर्ज करे, जो पूरे ईस्टर्न बेल्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैं केवल ईस्टर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑल्सो, नेपाल और म्यांमार, वहाँ वहाँ से लोग आते हैं, तो एक पूरे इलाके के लिए हमारा हो सकता है। हमने एक योजना बनाई थी कि हम एक डायलॉग शुरू करेंगे इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कि कैसे हम कनेक्ट कर सके। हमारी बातचीत भी हुई थी फॉरेन मिनिस्ट्री में, हमारे एक दोस्त थे जो इसी, उन्होंने कहा कि सरकार की नीति बनी है नई कि जिस इलाके से नेबरिंग कंट्रीज जुड़े हुए हैं उस इलाके के जो लोग हैं वो कुछ इनिशिएटिव ले सके, वो स्टेट कोई इनिशिएटिव ले सकता है। तो हम इसमें भी आपकी सहायता चाहेंगे। लेकिन हेल्थ सेक्टर में हमारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे कि एक इतने सालों के बाद पूर्णिया में एक अभी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, इतने सालों के बाद वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या ये संभव है कि पूर्णिया को या इस इलाके को, पूर्णिया ही मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्णिया में हो, किशनगंज में हो, अररिया में कहीं हो जाए, जहां जमीन मिल जाए, एक एम्स जैसी संस्था के लिए हम लोग प्रयास कर सके जो केवल हॉस्पिटल नहीं हो बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो जिसके अंदर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम भी कर सके, सोशल मेडिसिन का काम भी कर सके। ये एक मेजर इशू रहेगा। क्या आप इस मुद्दे को लेना चाहेंगे आगे? देखिए बिल्कुल, एम्स को लेकर के मैं कहूं, ये पहले भी एक बार हमने उठाया था पूर्णिया को लेकर, पार्लियामेंट में भी उठाया था। असल में दिक्कत क्या होगी कि ये एक विचित्र चीज इस मुल्क की राजनीति में जन्म हो गया है कि जैसे ही पूर्णिया बोलो तो सहरसा वाले कहेंगे अरे आप सहरसा नहीं बोले।
तो मतलब ये बैलेंसिंग अब तब जबकि मुझको लगता है कि पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट बनता है तो सहरसा को फायदा होगा कि साहब 110 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट है। एम्स का मसला जो आपने कहा, एम्स सिर्फ एक हॉस्पिटल के रूप में नहीं, जो आपने कहा रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उस हिसाब से पूर्णिया का क्लेम, या मैं कहूँ सीमांचल का क्लेम, पूर्णिया मैं भी वही अक्सर क्या होता है ना कि मिथिलांचल की चर्चा होती है तो दरभंगा सेंट्रिक विमर्श हो जाता है, दरभंगा केंद्रित, जबकि मिथिलांचल व्यापक है, दरभंगा नहीं है सिर्फ। उसी तरह सीमांचल व्यापक है, जहां कहीं भी जमीन की उपलब्धता हो, लेकिन ये आवश्यक इसलिए भी है कि जो आपने कहा कि ना सिर्फ इस इलाके को जो सीमांचल का इलाका है, बल्कि अन्य दूर दराज के इलाकों, पड़ोस के भी, इवन बंगाल का जो लगता हुआ इलाका है, उसके लिए भी ये एक एक बेहतर विकल्प के रूप में होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी से पूर्णिया आ जाना बेहतर समझेंगे लोग बनिस्बत कोलकाता जाना। तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण से भी इस पर अगर काम किया जाए तो, और ऑलरेडी ये सदन के रिकॉर्ड में है कि पूर्णिया एम्स को लेकर के मैंने बात रखी थी, और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के भी बात रखी थी, क्योंकि मैं उस एयरपोर्ट को देख चुका हूँ, शायद पटना के एयरपोर्ट से बेहतर जमीन और बाकी सुविधाएं हैं, और अगर कनेक्टिविटी हो जाती है यहाँ से तो सिर्फ मैं समझता हूँ बिहार, दिल्ली, बम्बई ही नहीं, बल्कि आप कालांतर में ये कल्पना कर सकते हैं कि वहां से ढाका के लिए या अन्य जगहों के लिए उड़ाने हो सकती है, उस पर भी काम करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं अभी उस पर आने वाला था, उसके पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, वो ये है कि मुझे किसी ने बताया ONGC के किसी बड़े पदाधिकारी ने कि एक पूरा जो ऑयल बेसिन है उसका नाम ही पूर्णिया ऑयल बेसिन है, जिसपे कभी भी प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया गया है उसको खोजने के लिए कि इस इलाके में कितना ऑयल है। एक बार थोड़ा बहुत किया गया था, फिर छोड़ दिया गया, और सारा जो पैसा उस संदर्भ में है वो चला जाता है मुंबई हाईपो। मुझे लगता है इस विषय पे भी आपको जोर देना चाहिए कि शायद ये बहुत बड़ा ऑयल बेल्ट हो सकता है, और है, यदि आप गूगल करेंगे तो बहुत बार इस पे बातचीत हुई है कि एक बड़ा नेचुरल ऑयल का ये बेल्ट हो सकता है। ये मैं समझता हूँ कि ये अररिया में एक बार हुआ था क्या एक्सप्लोरेशन, अररिया और किशनगंज दो जगह, अररिया और किशनगंज, मुझे सूचना है, इस पर हम बात कर सकते हैं आगे इसकी संभावना तलाशने के लिए। इसी तरीके से एक और हेल्थ में जस्ट छोटी सी एक और बात मैं कह सकता हूँ कि पूर्णिया एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए भी। अभी दुनिया भर में हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नाम है, और ये इलाका मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि डिजीज और एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। इसी किसी ज़माने में वहाँ एक पड़ोरा स्कूल हुआ करता था जो सरकारी मिडिल स्कूल था, मैं भी वैसे ही एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम काजा स्कूल हुआ करता था, और उस ज़माने में लोग पटना से भी वहाँ पढ़ने आके हॉस्टल में रह के पढ़ते थे, और बड़ा सस्ती, बहुत सस्ती पढ़ाई थी। तो पूरा जो सरकारी तंत्र है वहाँ के स्कूलों का, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। मैं जिला स्कूल में कुछ दिन पढ़ा था मैंने, और मुझे पता चला कि 80 शिक्षकों की जगह पे अभी केवल 5 शिक्षक वहाँ काम करते हैं, और जिला स्कूल पूर्णिया, आप यदि आपने देखा होगा, उसकी जमीन देखी होगी, उसका बिल्डिंग देखा होगा, अद्भुत जगह थी वो। इस सीमांचल के इन तमाम सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे धराशायी कर दिया गया, और ये जो गांव में जो स्कूल सिस्टम था, गांव का जो हेल्थ सिस्टम था, जो आपने कहा हमारे गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसकी बिल्डिंग बन के तैयार है, हेल्थ मिनिस्टर से बात की गई कि डॉक्टर को भेजें, तो कहा कि नहीं डॉक्टर नहीं दे सकते हैं, बिल्डिंग दे सकते हैं। वैसे ही स्कूलों के बारे में हो गया है कि स्कूल दे से बिल्डिंग दे सकते हैं, हम टीचर्स नहीं दे सकते हैं परमानेंट। और आपने अभी एक देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जी, बिल्कुल, एक शिक्षक जो है वो बोरा बेच रहा है कि बोरा ले लो, बोरा ले लो, 10 रुपए का बोरा ले लो, शिक्षकों को बोरा बेचने के लिए भी बाध किया गया है। ये जो शिक्षा का पतन है, और जो पिछले 70 सालों में पूर्णिया में एक यूनिवर्सिटी नहीं, अभी जाके एक यूनिवर्सिटी पूर्णिया में बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई तो गया और मोतिहारी में बन गया, पूर्णिया बिल्कुल पीछे रह गया। क्या इसका कारण है कि पूर्णिया इन तमाम चीज़ों में नहीं आगे बढ़ पाता? हमें ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर यदि हमारा ठीक से बने, तो पूर्णिया नाम था एक समय में एजुकेशन के लिए।
लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। जी मनीष जी, एक जो चीज जो मैंने शुरू में भी कहा था, मुझको लगता है कि किसी भी इलाके का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस होना बहुत जरूरी है। और इस मामले में मेरा मानना है कि अभी से ही नहीं, मैं कहूंगा कि बीते 20 वर्षों में, आजादी के बाद से ही इस इलाके को मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि यहां से नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स या पार्लियामेंटेरियंस के अलावा इसकी जो एजेंसी होनी चाहिए थी, जो ताकत होनी चाहिए थी आवाज में, वो नहीं हुई। और उसी संदर्भ में मैंने कहा था, कई दफा मैं देखता हूं कि एआईएडीएमके और डीएमके सदन में कोलैबोरेट करते हैं, अगर मसला एक किसी जिले का भी है तमिलनाडु का, जिसका कहीं जिसमें कहीं कई कमी है, मैं समझता हूं कि उस तरह की एक पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप भी अगर हमें बनाने की दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप अगर कोलैबोरेट करता है तो कई दफा रास्ता निकल भी जाता है। मुझे उम्मीद है कि हम आप सब उसी दौर के हैं, जिला स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस हुआ करता था, आप तो खैर नेत्रहाट गए, मुझे स्मरण है कि जिला स्कूल में नामांकन के लिए एंट्रेंस हुआ और बड़ी बेसब्री से हम इंतजार करते थे कि नाम आएगा कि नहीं आएगा। आज वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई। उसके पीछे एक और भी कारण है, जो जैसे आपने कहा ना, एक उदाहरण दिया कि बिल्डिंग दे सकते हैं, शिक्षक नहीं दे सकते हैं, पीएससी के लिए भवन बना देंगे लेकिन डॉक्टर नहीं देंगे। तो अपने यहाँ की पूरी इकोनॉमी जो बिहार की बीते मैं कहूंगा 15-20 सालों से जो मैं देख रहा हूँ तकरीबन रफली, उसमें क्या है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बहुत इम्फेसिस है। तो आप स्कूल की बिल्डिंग बना लीजिए, आपके पास ये विजन नहीं है कि ये स्कूल ऑपरेटिव कैसे होगा, इसका कैचमेंट एरिया क्या होगा, इसमें शिक्षकों की नियुक्तियां कौन कौन से शिक्षक होंगे, इसमें और व्यवहारिक पहलू कौन से होंगे, ये इन इन चीजों में आमूलचूल बदलाव के लिए जो एक सबसे अपना अनुभव मेरा कहता है कि आरटीआई अगर सिर्फ सिविल सोसाइटी का मामला होता तो कभी नहीं मिलता। आरटीआई तब संभव हुआ जब सिविल सोसाइटी ने एक पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया, और मैं समझता हूं हमारे पूरे इलाके को एक समवेत स्वर में कटिंग अक्रॉस पार्टी एफिलिएशन बात करने की जरूरत है। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ करके एक साथ इस इलाके के सांसद विधायक पीएम के पास जाएं, एचएम के पास जाएं या सीएम के पास जाएं और कहें कि ये हमारी कलेक्टिव एगनी है, ये हमारे कंसर्न्स हैं, इस पे काम करिए। एक बार उस तरह के स्वर बनने शुरू होंगे तो मुझको लगता है बदलाव होगा, अन्यथा लोकतंत्र में हमारे पास तरीके भी नहीं। वेरी नाइस, आई थिंक ग्रेजुअली शायद श्री तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन निश्चित रूप से श्री प्रमोट कर सकता है ऐसे एक पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप को, जिसके लिए हम रिसर्च का जो नॉलेज हब है वो क्रिएट कर सकें, ताकि वो पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप उस नॉलेज को यूज़ करके इस पूरे इलाके के लिए काम कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं खास तौर पर इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि आपसे हमारी बात हुई थी जब आप पहली बार एमपी का शपथ लेके आए थे, कि आप जो आपकी आपको एमपी लैड से पैसा मिलता है उसको आप पुस्तकालयों के लिए खर्च करना चाहते हैं, एंड आई एम विटनेस टू दैट कि मेरे एक लेख जो मैंने पुस्तकालय पे लिखा था उसको पढ़ के आपने तय किया कि आप बेगूसराय के पुस्तकालय में जाएंगे, जो शायद आपकी पार्टी के हित में ना भी रहा हो जिस तरीके से उसको देखा जाता है उस पुस्तकालय को, लेकिन आपने तय किया। बहुत से लोग मुझे पूछते थे आपने कैसे ये हो पाया, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये उनका कमिटमेंट है एजुकेशन और पुस्तकालय के लेके, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, और आप गए और आपने बहुत कुछ वहाँ पे दिया और जिस तरीके से प्रमोट किया, इस आइडिया को एक्सेप्ट करना ही बड़ी बात है। तो आपने इस इलाके में कुछ पुस्तकालय को लेकर योजनाएं बनाई हैं ऐसा मुझे पता है, मैं जानना चाहूंगा किस तरह की योजना आपने बनाई है और क्या क्या आपने अभी तक किया इस इलाके में और क्या आगे आप कर सकते हैं। मैं बताऊँ, मेरी एक महत्वाकांक्षी योजना तो हर जिले की थी, वो संभव नहीं हुआ क्योंकि कोरोना आते ही प्रधानमंत्री जी ने हमारा एमपी लैड ड्रॉप कर दिया, बंद कर दी। तो बीते ढाई वर्षों से, अभी मुझको 3 वर्ष हुए हैं एमपी बने हुए, लेकिन ढाई वर्ष से कोई राशि निर्गत नहीं हुई, वो सब
पीएम केयर फंड में चला गया। महत्वपूर्ण यह है कि दो तीन जगह हुआ, पूर्णिया में कुछ जमीनी विवाद में, कबीर मठ में मैंने कोशिश की थी बात करके, क्योंकि उनके पास जमीन वगैरह थी, तो वो जमीनी विवाद हो गया और तब तक जाकर के इधर ये एमपी लैड ही सस्पेंड हो गया। दलसिंह सराय में एक बन के तैयार हो गया है, एक सहरसा में बन के तैयार हो गया, गोदरगावा में आपके ही लेख को पढ़ने के बाद, और आपने सच कहा कि वो मेरी पार्टी को के जो लोकल यूनिट है, मेरे लीडर को नहीं, मेरे स्टेट यूनिट को नहीं, नेशनल यूनिट को नहीं, लोकल यूनिट को लगा कि अरे ये तो कम्युनिस्टों का है वहां पर। अब वही बात है, मैंने लाखों के बोल से है सितमगर तेरे लिए, तो खैर वो, लेकिन अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक बार रिस्टोर होगा तो मैं समझता हूँ मनीष जी, पूर्णिया में तो मैं इसको वॉर फुटिंग पे करना चाहूंगा। इसमें एक दिक्कत जो आ रही है, जैसे अब आपने अगर सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिया, ऑपरेशनल करना लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बना देना, किताबें खरीद देना, वो फंड से संभव है, लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू जो होता है, हु विल रन द लाइब्रेरी, What kind of modus operandi है? इसमें मैंने डायरेक्ट सीएम से भी बात की थी, तो सीएम ने भी मुझसे कहा था कि आप कहां इस पचड़े में पड़ रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, हमारी तो जो लाइब्रेरी थी वो बंद हो रही है धीरे धीरे। तो अगर एक बार रिस्टोर होता है तो मैं आज जब यहाँ श्री के फंक्शन में हूं, तो मुझको लगता है कि आपका ये हमारा जो सेंटर है, ये शायद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑपरेटिव पार्ट को देख लेगा। मेरी चिंता ऑपरेटिव पार्ट की होती है। अब जैसे सहरसा का बताओ, बिल्डिंग तैयार हो गई, किताबें हो गई, कुछ ऑपरेशनल है नहीं। दिमाग में ये था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं इस मुद्दे पर काम करूंगा कि लाइब्रेरी मूवमेंट को रिवाइव करने का बिहार में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ललक है बिहार को, खास करके बिहार के पिछड़े इलाकों में उन बच्चों को जिनके पास रेडीली किताबें अवेलेबल नहीं होता है, जिनको अमेजोन फ्लिपकार्ट से किताब वो नहीं मंगा सकते। फाइनली दुर्भाग्य की बात है मनिंद जी, अभी कोरोना काल में मैंने सहरसा डीएम को कहा कि ये बिल्डिंग 2 साल से तैयार है, ये खराब हो जाएगी, आप किताबों को कहीं तत्काल रखवा दीजिए, इसको कोरोना ट्रीटमेंट में, वैक्सीनेशन में इसका इस्तेमाल करिए। तो ये दुविधाएं हैं, इन दुविधाओं को डे टू डे लेवल पर गोदरगावा में संभव हुआ कि उनको उनका एक स्ट्रक्चर है, एक ऑपरेटिव पार्ट को लेने वाली क्षमता है उनके अंदर। बाकी जगहों पर जैसे अब मैंने कहा ना कि पूर्णिया में मैं ये ड्रीम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, और अगर सब हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे सीमांचल को देखेगा तो हम पूर्णिया के अलावा हम अररिया कर सकते हैं, किशनगंज भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें की जा सकती है एक बार हो तो। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी लगता है कि पुस्तकालय तभी संभव है जब एक पीपुल्स मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं दो चीज़ों को लाना चाहता हूँ, एक जो पहले बात छूट गई थी, ये नदियाँ जो हमारे यहाँ थी वो मर रही हैं, बहुत बहुत सारी नदियाँ थी हमारे यहाँ, मैंने एक लेख लिखा था कि क्यों मर रही हैं नदियाँ, और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप कुछ करें इसके लिए, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे बहुत पैसे की जरूरत है। फिर मैंने राजेंद्र सिंह से बात करी कि आप आके हमारे यहाँ देखो कि नदियों को कैसे जीवंत किया जा सकता है, क्योंकि नदियों पे हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिस तरह से बाढ़ आती है हमारे यहाँ उसके चलते जो कुछ भी हम बनाते हैं वो टूट जाता है, सड़कें हमारी टूट जाती हैं, इंडस्ट्रीज हम नहीं लगा पाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, और एक बड़ा कारण ये है कि पानी को हमने चैनलाइज नहीं किया। तो एक तो उसके लिए मुझे लगता है आपको योजना कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, और दूसरी बात जो एयरपोर्ट की बात आपने कही, ये आपने पूर्णिया और आसपास के लोगों के दिल की बात कह दी कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब यहाँ का एयरपोर्ट शुरू होगा, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पॉलिटिकल क्लाउड के अभाव में जिस एयरपोर्ट को पूर्णिया में आने था वो दरभंगा चला गया, वी ऑल नो दैट कि कैसे वो दरभंगा चला गया, जबकि पूर्णिया का सब कुछ तैयार था, लेकिन गो स्लो। उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि क्या होता है इसमें, तो ऐसा लगता है कि उसकी बहुत ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या अभी पूर्णिया को हो रही और होने वाली है, जो मैं देख रहा हूँ, और केवल पूर्णिया को नहीं, तमाम जो शहर इस इलाके में अभी बन रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया जा रहा है। नतीजा क्या है,
कि कोई ड्रेनेज सिस्टम शहरों में नहीं है। और पूर्णिया के वालों को याद होगा कि पिछली बार जब ठीक से बारिश हो गई थी तो आधा पूर्णिया डूबा हुआ था, जो मैंने कभी नहीं देखा बचपन से आज तक कि पूर्णिया कभी पानी वाटर लॉगिंग पूर्णिया में कभी हुआ हो। लेकिन इस बार वाटर लॉगिंग पूर्णिया में हुआ, जबरदस्त ढंग से हुआ। कोई ड्रेनेज, इतना बड़ा शहर बन गया उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके मैनिफेस्टो में इन शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कुछ है, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये है। देखिए मनन जी, मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं, कमोबेश यही स्थिति सहरसा की है। तो एक मैं एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उदाहरण देता हूं कि मैं सहरसा गया अपने घर, रात को गाड़ी लगाई, घर में सोने गया और सुबह निकलना था मुझको। जब सुबह निकलने तो मेरी गाड़ी के अंदर पानी घुस चुका था, यानी कि मैं पजामा पहन के पानी में ही गाड़ी में बैठा। और जब उस समय हमारी सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे गठबंधन के, महागठबंधन के, तो मैंने उनको कॉल किया, दिल्ली पहुंचते ही मैंने कॉल किया उनको। मैंने कहा कि ऐसे सहरसा में और पूरे सहरसा में ये हाल था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बताया गया कि पानी नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको विजुअल्स भी भेज सकता हूँ, मैं खुद कल आया हूँ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर से दो चीफ सेक्रेटरी और एक लोगों को, एक आदमी को भेजा, और फिर उन्होंने मुझे बताया भी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हाँ पानी बहुत लगा हुआ है, तो टेम्पररी तो हम ये कर रहे हैं कि पंपिंग सेट लगा करके 100 जगह उसको कहीं धारवार में फिकवाएंगे, लेकिन हम इसके ड्रेनेज का कोई की परिकल्पना सहरसा में नहीं है। वो होगी, अब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ड्रेनेज पर काम शुरू हुआ, उन्होंने अगले बजट में, तब तक वो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन ये काम शुरू हुआ। अब वो जो नाला बनने की कहानी शुरू हुई, उसमें इतना मैं आपको बताऊं कि वाटर लॉगिंग की उल्टी कहानी आ गई। नाला बहुत ऊंचा बन गया, वो सड़क से ऊंचाई पर चला गया, तो उसकी पर्पस, उसका पर्पस ही खत्म। फिर सारे नाले तोड़े गए फिर से, तो आप सोचिए कि उसमें फिर टेंडर, रीटेंडर, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, अपने पूरे बिहार का है, सिर्फ अपने इलाके का नहीं है। लेकिन इसके लिए भी एक आंदोलन की शक्ल में, क्योंकि हमारे यहाँ शहर में घर बनते जा रहे हैं, आप देख लीजिए, जैसे पूर्णिया में आप अपने, मैं अपने घर जाता हूँ, एक क्योंकि व्यवस्थाओं के अभाव में हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार की जमीन का थोड़ा हिस्सा, सड़क की जमीन का थोड़ा हिस्सा अपने अंदर ले ले। तो अब अपना, अपने घर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं वहां तक गाड़ी नहीं ले जा सकता। और कमोबेश यही स्थिति हर उन शहर, उन शहर का, कई शहरों की है। मुझको लगता है कि इसके लिए भी एक, एक अर्बन जो एक मूवमेंट का एक तरीका होना चाहिए, उसके लिए काम करना होगा। तो शायद मैं फिर से कहता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो कि हमारा अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट है, अगर मैं मेटाफोरिकली बोलूँ अपने इलाके का, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से, जैसे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिए जिससे कि कई सिविल सोसाइटी आंदोलनों का जन्म हुआ। संभवतः हम उस दिशा में भी, नहीं तो ये शहर अपने मरने की रेसिपी तैयार कर रहे हैं, खत्म हो जाएंगे ये। और हमने देखा है कि कई सारे शहर जो एक जमाने में जिनकी चर्चा होती थी, वो मृत प्राय हो गए हैं। तो वो ये भी, मतलब आई एम इन सिंक विद यू, ये बेसिकली कहते हैं इसको नरक कुंडली बन जाएगा। जैसे अभी जितना मेडिकल हब पूर्णिया बन रहा है, यदि हमने अगले 5 साल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई टेक्निक नहीं निकाला, तो जो हॉस्पिटल का वेस्ट है जो बाहर सड़कों पे फेंका जा रहा है, और जब जब पानी भर जाएगा तो वही उसको नरक कुंडली बना के छोड़ेगा शहर को। और ये जो टेंडर वाली बात कही, वो तो खैर पूरे हिंदुस्तान की बात है, लेकिन पूर्णिया के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक महानंदा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है जिससे हमारे घर में बाढ़ आती है, हम डूब जाते हैं अक्सर। तो हमने दो लेख उस पर लिखा कि मुख्यमंत्री को व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि इस बांध को क्यों बनाया गया, किसके भले के लिए बनाया गया था। तो पता चला कि अखबार का जो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा मिलता था सरकार से, वो 2 महीने के लिए रुक गया। उसके बाद से अखबार वाले ने मुझसे कहा कि आप माफ कर दीजिए सर, संस्कृति वगैरह पे लिखी तो ठीक है, अब इन मुद्दों पे आप नहीं ले जाएंगे। तो उसमें ऑल पार्टी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें ऑल पार्टी मूवमेंट हुआ,
और फिर उसको रोक दिया गया। वो बांध अभी नहीं बना, टूटा हुआ बांध है, रत्नेश्वर जानते होंगे, वो जो महानंदा के ऊपर बांध बना हुआ है पुरेला, उनका भी घर उस इलाके में पड़ता है। और अब क्या कर रहे हैं वो लोग कि महानंदा के किनारे एक बांध बना रहे हैं जो ज्यादा डिजास्ट्रस होगा, क्योंकि वो यदि टूटेगा तो पूरे इलाके को फिर बहा ले जाएगा, बहा ले जाएगा। जब हमने बातचीत करी एडमिनिस्ट्रेशन में तो लोगों ने कहा कि चुनाव का समय है और ये टेंडर से ही कुछ पैसे आएंगे, कोई 500-700 करोड़ का वो टेंडर था या 1000 करोड़ का टेंडर था, उससे कुछ पैसे निकल जाएंगे तो काम चलेगा। मतलब ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि ये जो ओवर एस्टिमेट घोटाला और तमाम तरह की चीजें हैं, ये चीजें बिहार में ओवर एस्टिमेट एग्जैक्टली सब कुछ तो ये तो है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूर्णिया एक बड़ा कल्चरल हब रहा है, रेणु की धरती रही है, और रेणु ही नहीं, रेणु तो एक लेखक रहे हैं, कई सारे लेखक पूर्णिया में हुए हैं और बड़े लेखक हुए हैं, और कई भाषाएं वहां बोली जाती हैं। बल्कि मैं कई बार थोड़ी अतिशयोक्ति करता हूं ये कहते हुए कि पूर्णिया दुनिया के ऐसी जगह में से है जहां मैक्सिमम भाषाएं बोली जाती हैं। रत्नेश्वर जी ऑब्जेक्शन करते हैं उस पर, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं दूसरी जगह कोई खोज नहीं पाया हूं जहां वहां से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही है, ज्यादा भाषाओं का की रचना वहां हो पाई हो। तो मुझे लगता है कि संस्कृति के क्षेत्र में पूर्णिया का अद्भुत काम था। बहुत कम शहर है बिहार का जिसके पास कला भवन जैसी जगह हो, बहुत कम शहर ऐसा था जहाँ की अच्छी खासी फुटबॉल की टीम हुआ करती थी और शहर के बीचों बीच एक प्राइम लैंड में एक फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था। बहुत कम शहर था है बिहार में जिसके पास रंगभूमि मैदान जैसी कोई जगह हुआ करती थी। तो स्पोर्ट्स और कल्चर दोनों में पूर्णिया बहुत आगे हुआ करता था, जो बिल्कुल पीछे अभी चला गया। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को और या आपकी पार्टी की तरफ से या मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करना चाहेंगे कि पूर्णिया में बिहार का एक बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जिसको बिहार सरकार प्रॉपरली स्पॉन्सर करे, क्योंकि पूर्णिया जो है, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि पूर्णिया जो है वो बिहार का कल्चरल कैपिटल है। दो ही जगह कल्चरल कैपिटल हो सकता है, एक वैशाली, दूसरी जगह पूर्णिया है, और पूर्णिया एक जीवंत वाइब्रेंट जगह है। मैं यहाँ इंटरवीन करूंगा। जी जी, आपने अच्छा कहा वैशाली, वैशाली हेरिटेज के लेवल पर है जी, वही मैं लिविंग लिविंग डायनामिक एंटिटी के रूप में नहीं है जी। पूर्णिया डायनामिक एंटिटी के रूप में, और मैं अभी इंटरवीन करके कहूँ श्री ये काम शुरू करे, फंड जितना तक होगा हम लोग मोबिलाइज करेंगे, पहले हम लोग अपने लेवल पर एक बार करके दिखा लें। थैंक यू सो मच पूर्णिया लिटरेरी फेस्टिवल, और जितना मतलब जितनी हम लोगों की हैसियत है मोबिलाइज करेंगे, छोटे स्केल से शुरू करेंगे, एक बार एक रास्ता दिखा देंगे कि ये, उसके बाद कोई सरकार आए इतनी प्रोग्रेसिव हो, इतनी संजीदगी और संवेदना से भरपूर हो, तो वो टेक ओवर करे। वैसे भी मुझको नहीं लगता है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का सरकार से कोई लेना देना नहीं, तो हम लोग इसको अपने स्ट्री के एजेंडे में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लेना चाहेंगे इसको जी। सरकार से सिर्फ इतना हो सकता है कि चीजें फैसिलिटेट हो सकती हैं यदि उसको एक्नॉलेज कर ले। जैसे हम लोगों ने मधुबनी में एक गांव है सरसव पाही, वहाँ हमने 2 दिन का सेमिनार किया, रत्नेश्वर जी भी इसमें आए थे, बाद में चीफ मिनिस्टर ने खुद इच्छा व्यक्त की कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके जाने से ये हुआ कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। तो वो जो रिकॉग्निशन बाय गवर्नमेंट है ये कल्चरल हब है, उससे काफ़ी काम हो जाता है। या यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को ला सकें कि जस्ट रिकॉग्निशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यू डोंट आई थिंक मनी, पूर्णिया हैज ऑलवेज जनरेटेड मनी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि पूर्णिया कॉलेज, रंगभूमि मैदान, पूर्णिया जिला स्कूल, ये सब कुछ व्यक्तिगत डोनेशन से बना है, लेकिन किसी का नाम उसमें नहीं है। बहुत कम कॉलेज बिहार में ऐसा है जिसमें कि लोगों ने जमीन डोनेट किया हो और नाम उसका उस व्यक्ति के नाम पे नहीं हो। यहाँ तक कि जो नया इंस्टीट्यूशन बनाया है रमेश जी ने, मजे की बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी व्यक्तिगत नाम नहीं है। नहीं है, वो तो मैं देख चुका हूँ जी। तो ये जो एक जज्बा है पूर्णिया के लोगों का, वो कल्चरल फेस्टिवल बहुत बखूबी मैनेज कर सकता है। श्री भी किसी व्यक्ति के नाम पे हो सकता था, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे रत्नेश्वर जी के पिताजी, उनके नाम पर भी श्री हम लोग कर सकते थे, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि नहीं, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सार्वजनिक संस्था है। तो ये जो पूर्णिया की संस्कृति है, इस संस्कृति के द्वारा इसकी सुरक्षा करना,
और जो एक बात आपने कही, जो आपने पूछा मुझसे कि वो जो डायलॉग फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया में एक, मैंने इस पर क्लिक लिखा है कि मचान जैसी एक चीज हुआ करती थी, मैं इसको इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, ये हैबरमस का पब्लिक स्पेस है। मचानों पे अब ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत उस पर आपको कह सकता हूँ कि मचानों पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ करता था और मचानों पे कैसे अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ बैठ के बातचीत करते थे। और मेरे रिसर्च में ये पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में ये जो मल्टी कल्चरल या मल्टी रिलीजियस मीटिंग्स मचानों पे होता था वो डिक्लाइन किया है। ये भी मैंने एक लेख लिखा था कि क्या सांप्रदायिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं सीमांचल में। और एक लेख मैंने लिखा था सब्बीर चाचा नहीं रहे, वहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे ताहिर हुसैन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर हुआ करते थे। मैंने पढ़ा उनको। आपने पढ़ा होगा, बहुत जबरदस्त आदमी थे। मैं छोटा था तो उनके प्रचार में, चुनाव प्रचार में मैं जाया करता था। तो वो जो रिश्ते हमारे बने हुए थे सीमांचल की, जो खासियत आपने कही कि न केवल मल्टीकल्चरल है बल्कि जो जिस तरह का समन्वयवादी संस्कृति वहाँ की जिस तरह की है, उसकी सुरक्षा करने के लिए उसको, और वो एक तरह से एक बहुत बड़ी संस्कृति है जो एग्जाम्पल हो सकता है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी कैसे रह सकता है। लेकिन वो सुरक्षित नहीं रहेगा यदि हम लोग प्रोएक्टिव होकर उसके लिए काम न करें। तो कैसे प्रोएक्टिव हुआ जाए, क्या ये मुझे ये आइडिया बहुत सही लगा पूर्णिया लिटरेरी या कल्चरल फेस्टिवल का, हम लोग इस पर काम शुरू करें और एक बार इसको करके दिखा दें। 6-8 महीने के बाद हम लोग कभी एक 2 दिन का शुरू में रखें और मैं समझता हूं कि इसको हम कर सकते हैं। इस पर मैं जितनी भी होगी, मैं आपसे भी बात करके और श्री के भी जो बाकी लोग हैं उनसे हम लोग बात करके आगे ले जा सकते हैं इसको। एक आखिरी बात सिर्फ ये कह दूं कि मैं श्री में हम लोग ये सोच रहे हैं अभी कि हम लोग एक पीपल्स मैनिफेस्टो तैयार करेंगे आने वाले समय में, और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग उसे सीरियसली लें और उसके लिए कुछ काम करें। मैं आपको ये बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक सिविल सोसाइटी ने मुझको बुलाया था, तो मैंने कहा कि हर जिले में ऐसी सिविल सोसाइटी की आवाज हो कि वो अपने जिले का मैनिफेस्टो बनाए और पॉलिटिकल पार्टी को कंपेल करे कि तुम अपना टॉप डाउन मैनिफेस्टो मत दो, इससे स्वीकार करो। तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रक्रिया में करी। बहुत बढ़िया मनोज जी, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू श्री। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट चेयरपर्सन सर टू ओपन द फ्लोर फॉर एन ओपन डिस्कशन विद द ऑडियंस एंड आल्सो रिक्वेस्ट the secretary of the institute engineer Rajesh sir moderate the discussion and answer session. Permission granted. Rajesh, please go ahead. Several questions have come from the audience sir. एक सवाल था सर कि क्या एयरपोर्ट जैसे डिमांड को बाकी सब डिमांड्स के बाद रखना चाहिए, पहले बाकी मुद्दे सुलझ जाएं तभी एयरपोर्ट आना की बात होनी चाहिए? राजेश जी थैंक यू, जिसने भी ये सवाल किया बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया है। जाहिर तौर पर एयरपोर्ट असल में क्या हो रहा है ना कि एयरपोर्ट सिर्फ एक पहले मैं भी सोचता था कि एयरपोर्ट का मतलब एक बहुत ही बुर्जुआ संकल्पना है। एयरपोर्ट अपने आप में कई सारी चीजों में ट्रैक्शन कर देता है। अब जैसे छोटी चीज है कि एक एयरपोर्ट बनेगा तो सिर्फ हवाई जहाज नहीं आएगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें आएंगी, उसके आसपास कई सारी छोटी छोटी सुविधाओं की चीजों की जरूरत पड़ेगी। मसलन अगर एयरपोर्ट आएगा तो पूर्णिया और पूर्णिया से जुड़े इलाकों के लिए टैक्सी सर्विस वालों को काम करने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया था, लेकिन यहाँ ये नहीं है कि देश बनाम देश, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और एयरपोर्ट को लेकर के मैंने कई छोटी छोटी चीजें बताऊं, जैसे दरभंगा को मैं देखता हूं अभी हाल में, या अभी बरेली के बारे में जो सूचना मिली, महज एक एयरपोर्ट के बन जाने से और वहां से उड़ान शुरू हो जाने से एक उसका जिसको कहते हैं ना कि रिपल इफेक्ट होता है, वो इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है और जाहिर तौर पर एजुकेशन को, कई और सेक्टर को। लेकिन हाँ, मांगों की फहरिस्त में इसकी ये कहा हो, ये फैसला तर्क संगत होना चाहिए।
जैसे कि हमारा क्षेत्र कोशी सीमांचल का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो एक का सवाल है कि इसके बारे में आप क्या समाधान सोचते हैं, कैसे इस समस्या से? देखिए समाधान, ये अगेन मैं, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की संकल्पना से, क्योंकि इस पे काफी काम करना होगा। अभी हाल में अनफॉर्चुनेटली मैंने आज कैरी नहीं किया, मैंने सवाल पूछा था कि इंडो नेपाल ट्रीटी के मध्य क्या हो रहा है, तो मंत्री ने जो जवाब दिया हम मुझे, वो जवाब के अतिरिक्त उसने मुझे बुला, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि सुनो भैया कुछ नहीं हो रहा है, उधर भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, इधर भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, उधर भी कुछ लोगों को तनख्वाह मिल रही है, इधर भी कुछ लोगों को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन 40 42 50 वर्षों में कोई चीज नहीं हो रही है। तो बाढ़ को लेकर के भी एक चीज जो मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने सदन में एक दिन कहा था कि बिहार में बाढ़ आती भी है और लाई भी जाती है, दोनों तरह की बिहार में बाढ़ आती है, एक आना और एक लाया जाना, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। मैंने कुशा वाले 2008 की त्रासदी के पीछे जब रिपोर्ट्स आई तो कई चौंकाने वाले तथ्य आए, और वो इतने चौंकाने वाले तथ्य थे कि कुशा की वो ट्रेजेडी एवर्ट की जा सकती थी अगर टाइमली इंटरवीन किया गया होता, वो नहीं हुआ। तो अब जाहिर है कि मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में ज्यादा क्या कहूं, आप सब वाकिफ हैं कि बाढ़ कैसे लाई जाती है अगर नहीं आती है। दो तीन रिक्वेस्ट हैं उसके बाद। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू प्रोफेसर मनोज झा सर, आई अलोंग विद मेनी अदर्स हैव बीन अनसक्सेसफुली ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू थ्रू वेरियस मीन्स, वी वुड अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू टू रेज द क्वेश्चन ऑफ पूर्णिया एयरपोर्ट इन द पार्लियामेंट। द होल प्रोजेक्ट हैज बीन मार्ड विद ह्यूज डिलेज नाउ फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 6 years। द एयरपोर्ट वुड प्रूव टू बी अ बोन फॉर द होल रीजन ओवरऑल रीजन्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये एक रिक्वेस्ट था। फिर दूसरा था सर, प्लीज टेक दिस प्रपोजल ऑफ सीमांचल विकास बोर्ड अहेड। फिर एक है, पूरा मिथिला कोशी और सीमांचल को भी शामिल करें तो हम आज बाढ़ से, आखिर हम इस बाढ़ की गंभीर समस्या से अभी तक क्यों नहीं उबर पाए हैं, आपके हिसाब से क्या सुझाव है? ये है। फिर एक कुमार अभिनव लिखते हैं, रिसर्च एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन चेंज द आउटलुक, टैलेंट शुड बी कंजर्व्ड बाय प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर एक गुलाब बाग मंडी के लिए आनंद जी लिखते हैं, यहाँ की गुलाब बाग मंडी का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है, सीमांचल के ऊपर बिहार सरकार का बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं है, हम मखाना और मक्का का के हब हैं, ना उद्योग लगे और ना ही हमारी सबसे बड़ी मंडी का जीर्णोद्धार हो पाया, अनुसंधान केंद्र भी बनना चाहिए। राजेश जी, इसमें से कई सारी चीजें हमने चर्चा के क्रम में ली थी। मैं जो साथी कहें कि मैं मतलब दे कुंट रीच मी, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि अगर मैं कभी फोन ना उठा पाऊं मैसेज जरूर छोड़ दें, क्योंकि मैसेज में अगर ये होगा कि मैंने इस विषय के लिए कॉल किया था तो मैं या मेरे ऑफिस से मेरे साथी तुरंत कॉल कर लेंगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मैंने, मुझे स्मरण है 2019 में कोविड से पहले मैंने सदन में आवाज उठाई थी, और अब फिर से मैं, हालांकि मंत्री महोदय थोड़ा नाराज हो गए थे क्योंकि हमने हाल में प्रधानमंत्री जी को सीरियसली ले लिया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ह्यूमर खत्म हो रहा है हमारे विमर्श से, तो हाल में सदन में एक दिन मैंने एक बिल पे चर्चा हो रही थी तो मैंने ज्योतिरादित्य जी को बधाई देते हुए कहा कि जब आप मंत्री बने तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी लगा कि महाराज के हाथ से ही महाराज की विदाई होगी, यानी महाराज एयर इंडिया, उनको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कई सारी चीजें कही। बहरहाल मैं उनके पास एक प्रस्ताव लेकर के भी जाऊंगा एयरपोर्ट को लेकर के। सीमांचल विकास बोर्ड मेरी पार्टी का कमिटमेंट था, इस पर भी सदन में बात हुई है, और सीमांचल विकास बोर्ड महज एक बिल्डिंग नहीं चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवयव हों, बहुत सारे ऐसे सब एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हो कि आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकें पूरे इलाके को लेकर के। ये बात जो मैंने शुरू में कही मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब तक राजनीतिक ताकत, और यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक हम पॉलिटिकल वॉइस
क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं पॉलिटिकल वॉइस तो लोग उसको राजद, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी नहीं, पॉलिटिकल वॉइस फॉर एन एरिया, फॉर अ पीपल, जहां पर डिविसिव नहीं होगा वो, और वो इलाके की सर्वांगीण विकास के लिए जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। जैसे अगर पूर्णिया में हम लिटरेरी फेस्टिवल को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पूरे उस इलाके की के स्वर को, उसके सुर को रिकॉग्नाइज करने का मसला है। गुलाबबाग मंडी, मैं इससे पूरे पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ, तो राजेश जी वगैरह अगर बताएंगे तो इसको मैं जिस स्तर पर भी संभव होगा मैं लेने की चेष्टा करूंगा। बाकी कई सारे सवालों को हमने चर्चा के दौरान लिया था, फिर भी अगर कहीं छूट गया हो तो। आपने सुझाया था कि मक्के का जो है सो व्यापार हो सकता है बांग्लादेश से, उसको आगे एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। मेडिसिन इंडस्ट्री का मनिंद्र सर ने भी विचार दिया था, वो उसको उसको कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है। पॉलिटिकल मेडिकल मेडिसिन इंडस्ट्री, असल में एक बिहार में हम लोग को एक संस्कृति भी विकसित करनी होगी जिसको कहते हैं इंडस्ट्री फ्रेंडली कल्चर, उसका थोड़ा अभाव है। और उसको मैं कई दफा देखता हूँ कि कोई अगर छोटा सा भी इनिशिएटिव, जैसे मान लीजिए कहीं की कोई कंपनी कुछ काम करने आई तो लोकल लेवल पर जो एक्सटॉर्शन का भी एक पूरा का पूरा एक 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 कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली आई कॉल इट अ कल्चर, उसको भी डेसिमेट हम तभी कर पाएंगे ना जब सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो कहेगा कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये इन सारी चीजों में आप दखल ना दें उस वजह से। नहीं तो ये जो फार्मास्यूटिकल का आइडिया है इनका, वो मनन जी का, वो बहुत ही सेलेबल आइडिया है, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव आइडिया, लेकिन इसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक वो जो एक कार्य संस्कृति, एक व्यवहारिक संस्कृति जो होनी चाहिए, उसका अभी तक बिहार में अभाव है। क्योंकि जब भी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में चर्चा होती है तो कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं यार हम तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सस्ती, वहाँ आना चाहते हैं, माहौल नहीं है। तो वो जब माहौल कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका इशारा किस ओर है। जी, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जो बाहर से आए उनके लिए। अररिया के कोई हैं दर्शक, वो दो बात करें। एक तो अररिया को आज तक कोई भी एजुकेटेड लीडर नहीं मिला है सर, इस पर भी आप ही को ध्यान, आप ही ध्यान दीजिएगा सर, एक रिक्वेस्ट है। और एक है कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में भी एक पुस्तकालय की जरूरत है। तो मैं नरपतगंज वाले साथी के लिए तो कहता हूँ कि अगर रिस्टोर होगा तो मनिंद्र जी हैं, मेरा गरेबान पकड़ के ले जाएंगे वहाँ। और मैं इसका ये चीजें मेरे अपने हाथ में है, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन उन्होंने नाम पता नहीं दिया। हाँ, दूसरी चीज राजेश जी, ये जो है ना कि एजुकेटेड, एजुकेशन और नॉलेज के बीच में मीलों का फासला होता है। आप एजुकेशन डिग्री वाली ना हो लेकिन अगर नॉलेज है, नॉलेज का मतलब संवेदना अगर है, क्योंकि ज्ञान संवेदना जुड़ी हुई चीज है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा जरूरी है। और मैं तो अक्सर देखता हूँ के कामराज से बढ़िया मुख्यमंत्री तमिलनाडु को नहीं मिला और वो जिंदगी भर अंगूठा ही लगाते रहे कागज पे। जी सर, बिल्कुल सही। बहुत दिनों से जब सर का प्रोग्राम होने वाला था उससे पहले हम लोगों ने कई मैसेजेस भेजे थे और रिक्वेस्ट किया था कि कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न वो सीमांचल इलाके पर यदि पूछना चाहते हैं तो दे शुड फॉरवर्ड अस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई लोगों ने भेजा था, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में वॉशिंग पिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, जिससे कि यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। ये एक लॉन्ग डिमांड था और रेलवे से संबंधित भी और भी कई डिमांड्स लोगों ने किए हैं, जैसे कि यहाँ से दलकुला रेल लिंक का और इस तरह के कई डिमांड्स हैं, तो सर काइंडली इस पे थोड़ा इनलाइटन करें। यहाँ से दलकुला वाला तो मैं इसको कई बार कर चुका हूँ। हाँ, वॉशिंग पिट फैसिलिटी एट पूर्णिया कोर्ट, ये मैंने अभी तक नहीं रेज किया था, इस पर मैं आप लोगों से बात करके। मैंने एक और भी चीज प्रपोज किया था, उस पर अभी तक मंत्रालय तैयार नहीं हो रहा है। गुवाहाटी से दो
राजधानी चलती है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से, एक दो लगभग प्रतिदिन है। मैं चाह रहा था कि एक को अगर हम कटिहार से पूर्णिया होते हुए सहरसा से खगड़िया में जोड़ दें, ये प्रस्ताव मैंने किया है। अब देखिए इस पर क्या होता है, ये लेकिन विचाराधीन है। मैंने कहा कि दोनों में से एक राजधानी को आप उसका रूट ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक पूरा इलाका जो है पूर्णिया से लेकर के सहरसा और फिर मानसी खगड़िया, अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर विकल्प मिलेगा इस पूरे इलाके। एक और क्वेश्चन काफी लोगों ने रेज किया था जी सर, एक NH1 NH107 जो पूर्णिया को सहरसा मधेपुरा से लिंक करती है, उसका हालत बहुत ही खस्ता है और पिछले कई वर्षों से लोग इस बात की बात जो रहे हैं कि ये सड़क कब बने। यदि हम लोग पूर्णिया से सहरसा के लिए ड्राइव करते हैं तो द डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, जो कि शायद डेढ़ घंटे का सफ़र होना चाहिए, एक से डेढ़ घंटे का सफ़र, लेकिन हम लोग वहाँ पर साढ़े पाँच घंटे में पहुँच पाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है सर, और बहुत ही एक्सीडेंट्स उस इलाके में रोड के खस्ते हालत के कारण होते रहता है। राजेश जी 107 पर भी नहीं भी तो मेरे एक दर्जन पत्र व्यवहार और बातचीत है। नितिन गडकरी जी आप मुझको देखते हैं तो पहले कह देते हैं कि 107 तो मुझे कहना पड़ता है। मतलब मैं उसका पीड़ित हूँ क्योंकि वही सड़क मधेपुरा होते हुए सहरसा तक आती है। पहले मैं अमूमन बागडोगरा जाता था, सहरसा जाना हो और बागडोगरा से मुझको सहरसा पहुंचना ज्यादा आसान होता था, लेकिन 107 की जो ये हालत है उसकी वजह से, लेकिन उसमें कहीं कहीं लैंड का कुछ इशू, गडकरी जी ने कई दफा मुझसे कहा उसमें वो आ रहा है। मैं इसको फिर से परसों करूंगा, बस इसी सत्र में मैंने NH107 को परसों नहीं किया, नहीं तो कोई सत्र ऐसा नहीं गया जब मैंने पत्र लिख करके या गडकरी जी से मुलाकात करके NH107 के लिए। इसलिए मैंने कहा कि कई दफा मुझको सदन में देखते ही कहते हैं 107, और मैं हंस देता हूँ कि जाहिर है कि वो प्रश्न तब तो बदलेगा जब हालात बदलेंगे उस सड़क के। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार झा जी। जी धन्यवाद, मैं आपको सबसे ज्यादा इस बात के लिए देता हूं कि आप जिसको सीमांचल कहा गया, मैं थोड़ा बोलूंगा उस पर, उस क्षेत्र के सबसे युवा राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत थोड़े समय में आपने अपना प्रभाव ऐसा स्थापित किया है कि अभी जैसे आपको प्रश्नों से लगा होगा कि लोग अपेक्षा करने लगे हैं कि आप ही इन तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यक्तित्व में इस बात को समाविष्ट कर लिया है। मैं आपको एक दूसरी बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने आरंभ में ही वादा किया कि मैं अब जब इधर आने का प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं सीधा पूर्णिया आऊंगा। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे जब हम आमने सामने बैठकर पूर्णिया की समस्याओं पर बात कर सकेंगे। थोड़ी सी बात सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम लेकर हुई। मैंने ये नाम, जैसा कि मनिंद्र जी कह रहे थे कि कई जगह से मुझसे लोगों ने कहा कि अपने पिताजी के नाम पर रख लीजिए, उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जन की और काम किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको सब हिमालयन रीजन इसलिए कहना पसंद करूंगा कि हम कृतज्ञ हैं हिमालय के कि हमारी ये मिट्टी है, ये हिमालय से आई उर्वरा मिट्टी से बनी हुई जगह है, वहां से आने वाली नदियां हमारी प्राण नदियां हैं। मनिंद्र जी ने ये प्रश्न बार बार उठाया कि ये बाढ़ आती है, और आपने भी कहा बाढ़ आती भी है और लाई भी जाती है, तो आएगी ही बाढ़। जिस तरह से नदियों के प्रवाह मार्ग को अवरुद्ध करके सड़कें बनाई गई, बांध बनाए गए और कुछ बनाए गए, अब तो घर भी बनाए जा रहे हैं,
तो बाढ़ तो आएगी, लेकिन बाढ़ से कभी इलाका नहीं डरता था। इसलिए नहीं डरता था कि बाढ़ आती थी, ढाई से तीन दिन में वापस चली जाती थी और पीछे छोड़ जाती थी उर्वरा मिट्टी जो हिमालय से वो लाती थी, और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी इस क्षेत्र के लोगों को। पर अब जो बाढ़ आती है वो आती है, महीनों ठहर जाती है और लोग अपने जान माल सबसे प्राण धो बैठते हैं, परेशानी में रहते हैं। ये कठिनाई है। मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आपने पूर्णिया की पहचान के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही कि इतना बहुलवादी क्षेत्र और उसमें इतना समन्वय रखने वाला क्षेत्र शायद ही कोई और हो। मनीन्द्र जी ने कहा कि मैं कहता हूं कि आप ऐसा कैसे कहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैंने किसी और संदर्भ में कहा होगा, मुझे स्मरण ठीक से नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद ही इतना बड़ा दूसरा कोई क्षेत्र होगा सारे विश्व में जहां अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, सुरजापुरी और जाने कितनी और भी कुछ कुछ भाषाएं हैं। अफगान लोग यहाँ कुछ गांव में बसे हैं, वो अपने अफगानिस्तान वाली भाषा बोलते हैं, उराव, पख्तून, इस तरह से। मैं आपको एक किताब के बारे में बताता हूँ, महेंद्र जी शायद जानते हो, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने एक किताब लिखी 18वीं शताब्दी में विद्याधर नाम से। अब आश्चर्य है, विद्याधर नाम तो होता है पुरुष का, लेकिन उसमें प्रधान चरित्र एक नारी है और उस नारी के माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र का इतिहास, इस क्षेत्र में उपजने वाली सब्जियां, इस क्षेत्र में होने वाली मछलियां, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ की भाषाएं, तमाम बातों के बारे में बात की है। वो किताब पठनीय है और मैं चेष्टा में हूँ कि उस पर मैं एक अलग से कुछ काम करके निकाल सकूँ। कृषि के बारे में बातें हुई, मक्का और मखाना के बारे में बहुत बातें हुई। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ट्रस्ट के एक सदस्य हैं वसंत कुमार मिश्र, उन्होंने एक क्या कहेंगे मॉडल बना करके दिया, और हमारे जो विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो उस मॉडल के आधार पर एक मशीन छोटा सा डेवलप कर रहा है, जिस मशीन के सहारे मकई को सुखाने का काम आसानी से किया जा सके। अभी जो मक्का सुखाने के लिए लोग सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर मक्का डाल देते हैं, वो ना हो पाए। हम बहुत जल्दी शायद उस दिशा में कुछ कर पाएंगे। तीन बातों पर मनीन्द्र जी और मनोज जी जब बातें कर रहे थे तो तीन बातों पर बहुत जोर आया और मैं भी उन तीनों बातों को दोहरा कर हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर एक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विकास करने की चेष्टा की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ श्री इस संदर्भ में कुछ कर पाएगा या नहीं, हम लोग जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इस दिशा में कुछ किया जा सकता है या नहीं। लिटरेरी फेस्टिवल की जो बात की गई वो अवश्य किया जा सकता है और हम अवश्य करेंगे। हमारी जो विद्या विहार संस्थाएँ हैं, रमेश जी की संस्थाएं हैं और हमारा श्री इंस्टीट्यूट है, ये सब मिलकर चाहेंगे तो ये बहुत कठिन काम नहीं है और ये हम शीघ्र ही आयोजन करना चाहेंगे। आप लोगों ने, दोनों ही हमारे अतिथियों ने, मनोज जी ने भी और मनीन्द्र जी ने भी बार बार कहा कि पीपुल्स मैनिफेस्टो बनाने की हम कोशिश करें। पता नहीं, ये बहुत सरल काम तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश अवश्य करना चाहेंगे कि सभी पार्टी के नेताओं को जो इस इलाके के हैं उनको एक मंच पर लाकर और उनके समक्ष हम अपनी बातें रखें और उसमें से वो मैनिफेस्टो तैयार हो जिसके आधार पर काम किया जा सके। एयरपोर्ट और रेलवे की बात हुई, मैं आपको बताऊं कि चुनापुर फौजी एयरपोर्ट है और वहाँ जमीन भी उपलब्ध है, सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, उसको तो बनाया जा ही सकता है। बहुत कम लोगों को अब स्मरण रह गया होगा कि जहाँ आज पूर्णिया कॉलेज है और अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ सहरसा से आने वाली रेल लाइन जो गुजरती है उस लाइन के परे दूसरी ओर एक बहुत अच्छा एयर स्ट्रिप
किसी जमाने में हुआ करता था, और चार्टर्ड प्लेन वगैरह या व्यक्तिगत प्लेन लोगों के वहीं उतरा करते थे। पता नहीं उसको क्यों नहीं लोगों ने जीवित करने की बात सोची। ट्रेन रेलवे के बारे में जब बातें हो रही थी तो मेरे मन में एक बात आई कि कटिहार एक बड़ा केंद्र है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। क्यों पूर्णिया का शेष हिस्सा यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, किशनगंज तो कटिहार से जुड़ा हुआ है पर पूर्णिया और अररिया कटिहार से बाहर है, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है, क्यों नहीं इसको कटिहार का हिस्सा बना दिया जाता है? तो ये जो वॉशपिट बनाना है या फिर पूर्णिया को जोड़ना है, सहरसा से ट्रेन चलती है वो रात के 12:30 बजे पूर्णिया आती है, अब कैसे पैसेंजर जाए, कैसे चढ़े, और वो भी अपेक्षाकृत छोटे से स्टेशन पर, पूर्णिया कोट स्टेशन पर। तो क्या बेहतर टाइम उसकी नहीं सोची जा सकती थी कि वो 10 बजे रात को सहरसा से ना चल के थोड़ा सवेरे चले, 7 बजे चले, 6 बजे चले, और पूर्णिया से ऐसे निकले कि पूर्णिया के लोगों को भी उसमें जाने की सुविधा हो सके। वो सुबह 9 बजे पहुंचती है तो 9 बजे के बदले वो सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी पटना, और भी अच्छा होगा लोगों को कि सुबह सुबह राजधानी पहुंच गए। तो ये तमाम बातें हैं। शिक्षा के बारे में तो आपने कहा ही कि अगर कॉलेज खोलना चाहते हैं नरपतगंज वाले तो खोलें, उसमें आप सहायता करेंगे। आप तो हर बात में सहायता करने को तत्पर हैं, पता नहीं हम कितनी सहायता आपकी ले पाएंगे। हम उतने सक्षम बनने की कोशिश में हैं, और श्री संस्था की स्थापना ही इसीलिए की गई है कि वो हम भी सीमांचल इसका नाम रख सकते थे, पर जैसा आपने आरंभ में ही कहा सीमांचल कहने से सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है, अंचल कम महत्वपूर्ण। हम हिमालय की कृतज्ञता तो ज्ञापित करते हैं पर हम किसी सीमा के कारण अपने को बंधा हुआ नहीं पाना चाहते हैं, हम सीमाओं से परे हैं। हम निस्सीम होकर जिस सांस्कृतिक समरसता का सृजन करते रहे हैं आज तक, जिसकी चर्चा आपने बार बार की कि बहुलवाद के बीच समन्वयवाद यदि देखना है तो वो पुणे आकर कोई देखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका मनीन्द्र जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने जिस तरह से प्रश्नों को रखा मनोज जी के सामने, और धन्यवाद ज्ञापन कोई और करेंगे, पर मैं अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी ओर से आप सबों का, रमन जी का और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मुझको लगता है कि हम लोगों ने पहली बैठक, बड़ी बैठक की थी नदियों की समस्या को लेकर, आज बड़ी बैठक की जिसमें नदी भी एक समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं आई। मनीन्द्र जी आप दिल्ली में रहते हैं, मनोज जी दिल्ली में रहते हैं, कृपा कर इस संपर्क को बनाए रखें तो हम पूर्णिया और सहरसा वाले भी एक साथ बैठ उठ पाएंगे इस आशा के साथ। और मनोज जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए, और मुझे लगता है कि उनके कंधे इतने सशक्त हैं कि वो हम सबों की के सपनों के सीमांचल, सीमांचल शब्द से मैंने कहा कि मैं बहुत सहमति नहीं रखता हूँ, फिर भी ये जो पूर्णिया और सहरसा का क्षेत्र है, कोसी डिवीज़न और पूर्णिया डिवीज़न, इन दोनों डिवीज़नों के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के केंद्र हैं आप दोनों ही। मनोज जी बहुत बड़े अर्थों में राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के जरिए ही आज सारे काम हो पाते हैं, और वहाँ हमको आपके अलावा बड़ी आशा के रूप में और कोई दिख नहीं रहा है। और मनीन्द्री बौद्धिक धरातल पर अपने लेखों के माध्यम से, अपने संपर्कों के माध्यम से जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके कारण मैं ये आशा कर सकता हूँ भविष्य के लिए कि श्री एन सिन्हा इंस्टीट्यूट की बात की मनोज जी ने, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जैसा भी और संभव हो सके तो आद्री जैसा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके निदेशक और संस्थापक हुआ करते थे शैवाल गुप्ता, अब नहीं रहे, उसकी तरह मैं बता दूं कि आद्री अगर कुछ हो पाया, अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट कुछ हो पाया तो सरकारी सहयोग के कारण
हम अभी सरकारी सहयोग से मीलों मील दूर हैं, उसकी कहीं कोई संभावना नहीं है, पर लगता है अगर हम ऐसे संवाद कर सकेंगे जैसा अभी आपके साथ किया और भी भविष्य में कर पाएंगे और आपके बताए मार्ग पर इस संस्था को रख कर कुछ काम जैसे लिटरेरी फेस्टिवल वाला काम या फिर पीपल्स मैनिफेस्टो तैयार करने का काम कर पाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि बिना सरकारी सहायता के भी ठीक उसी तरह श्री आने वाले दिनों में अपना प्रभाव छोड़ पाएगा जैसे मनीन्द्र जी कह रहे थे कभी काझा विद्यालय ने छोड़ा था। अब देखिए अभी एक बात चल रही है पटना हाई कोर्ट के आदेश से ऐसे तमाम IAS को ढूंढा जा रहा है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हों। मैंने कहा कि किसी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किसी सर्किल ऑफिसर के बेटे को ढूंढ के तो पहले दिखाओ फिर IAS के बेटे को ढूंढते रहना, असंभव सा काम करने आप निकले हैं। आप अपने सरकारी विद्यालयों को एक ताकतवर प्रिंसिपल हेडमास्टर दीजिए, उसको सारा समर्थन दीजिए, उसको योग्य 5-7 शिक्षक दीजिए, देखिए कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ेंगे IAS के बेटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रोत्साहित अनुभव कर रहा हूं कि आज की बैठक से ये विश्वास बनता है कि श्री आने वाले दिनों में बड़े काम कर पाएगा। आपका बहुत बहुत आभार मनोज जी, बहुत बहुत आभार मनीन्द्र जी और बाकी सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज सर, आपने अपने बहुत कीमती समय से हम लोगों को 2 घंटे का समय दिया सर, और बहुत सारे मुद्दों पे जो है लोगों का बहुत भरोसा जो है सो बढ़ा है कि हम लोग आपकी मदद से बहुत सारी समस्याओं के पार पा पाएंगे। थैंक यू सर, और थैंक यू मनीन्द्र सर, आपने जो है सो बहुत सारे जो रेलिवेंट प्रश्न हैं हमारे क्षेत्र के बहुत सारे प्रश्न हैं उनको पूछा।